हेलो गाइस, ये देखिए आज हम अखरोट तोड़ रहे हैं, जाड़ों से निकाल रहे हैं अखरोट। ये देखिए, ये हाथ में डंडा लेना पड़ता है, तो उससे जब हम मारते हैं ऊपर चढ़ के तो ये अखरोट नीचे गिरते हैं। ये देखिए, ये अखरोट का झाड़ है। ये देखिए, ये हमारा गार्डन है, अखरोट का गार्डन है, अपने दुकान के सामने ही है। हमारे जितने भी यहाँ आते हैं कश्मीर घूमने के लिए, उनको हम ये गार्डन विज़िट करा देते हैं। मैं दुकान दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, ये गुलमरा ड्राई फ्रूट आउटलेट है हमारा। ये दुकान के सामने है। ये देखिए, ये देखिए गाइस, ये ऐसे हम तोड़ के लाते हैं ऊपर से झाड़ू से, उसके ऊपर बोरियों में रखते हैं। ये इसके ऊपर ग्रीन कवर होता है, ग्रीन कवर से जब पक जाता है तो फिर ऐसे हो जाता है। कोई कोई अखरोट पका हुआ है, इस बार थोड़ा लेट हुआ क्योंकि बारिश नहीं गिरी। बारिश ना गिरने की वजह से अखरोटों में थोड़ा लेट हो गया। ये देखिए, ये ऐसी ये अखरोट निकलते हैं इन ग्रीन कवरों से। एक हफ्ता 4-5 दिन रखना पड़ेगा बोरे में, बोरे से निकाल के अपने आप पक जाएंगे, फिर ये अखरोट निकालेंगे। फिर इन अखरोटों को हम पानी में वॉश करेंगे, सिंपली पानी में वॉश करेंगे, उसके बाद सन ड्राई करेंगे। सन ड्राई इसमें एक हफ्ता 10-12 दिन लगते हैं, लेकिन ये एकदम क्लीन हो जाते हैं और उसके बाद हम दुकान में इनको सेल करते हैं। मैं ये अखरोट तोड़ने की कोशिश करूँगा। ये देखिए गाइस, इसके अंदर गिरी निकली है, ये अखरोट की गिरी है। ये जब ड्राई हो जाएंगे उसके बाद ये एकदम बहुत टेस्टी हो जाएगा। ये देखिए, इसको बोलते हैं कश्मीरी ऑर्गेनिक अखरोट। ये अखरोट पाने के लिए आप हमारा नंबर डायल करें, हमारे साथ कॉन्टैक्ट करें, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ है। ये अखरोट हम ऑल ओवर इंडिया डिलीवर करते हैं। ये बहुत मुश्किल काम है। ये देखिए गाइस, कैसे अखरोट होते हैं पेड़ों के ऊपर। ये अखरोट के पेड़ बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनके ऊपर चढ़ना पड़ता है। जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं उनको नीचे से हम मारते हैं। तो ये अखरोट पाने के लिए आप हमसे कांटेक्ट करिए, चाहे इसकी गिरी चाहिए, चाहे साबुत अखरोट चाहिए। ऑल ओवर इंडिया हम डिलीवर करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।